करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल यस मैथमेटिक पाठशाला में। ठीक है, जैसा कि आपको पता है हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो एज रिलेशन क्वेश्चन चल रहा है, जिसका फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका है। पहले मैंने बोला था सारे क्वेश्चंस एक ही वीडियो में अपलोड करूंगा, बट क्वेश्चंस की संख्या इतनी ज़्यादा है, अगर मैं एक वीडियो में अपलोड करूंगा तो 2 घंटे से ज़्यादा की वीडियो हो जाएगी, जो कि आप आसानी से देख नहीं सकते। इसलिए मैंने सोचा कि एक लेक्चर ना बना के इसके 2 लेक्चर बना दिए जाएँ। ठीक है, तो अब मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिया है, आप सेकेंड वीडियो लेक्चर में मैं आपको लोड करने जा रहा हूँ, मतलब बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो जिसमें ये सारे क्वेश्चंस, और जिस किसी ने अभी तक मेरा फर्स्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले जाके फर्स्ट वीडियो लेक्चर देखे, बाद में ही सेकंड देखे, वरना उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट हैं, सारे फार्मूले हैं मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बना दिए हैं। आप आसानी से मेरे चैनल को सर्च करिए, प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से कम्पिटिटिव मैथमेटिक्स देखेंगे, कम्पिटिटिव मैथमेटिक्स के अंदर आपको ये टॉपिक मिल जाएगा गाइस। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ठीक है आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे फर्स्ट वीडियो लेक्चर के, इसलिए मैं आपको सेकंड वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, जिसका फर्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने है। 5 साल पहले राम व श्याम की वर्तमान, ठीक है, 5 साल पहले राम व श्याम की आयु का जो अनुपात था वो कितना था गाइस, 2:3 था, और अब से 5 वर्ष बाद इनकी आयु का जो अनुपात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करना है। ऐसा क्वेश्चन पीछे भी हो चुका है, बट उसमें मैंने आयु का योग ज्ञात नहीं करवाया था, इसलिए मैं दोबारा करवा देता हूँ। 5 साल पहले कितना था, 5 साल पहले की कंडीशन है ये गाइस। देखो, तो हम कहाँ बात करते हैं, हम होते हैं प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट की बात करते हैं, और ये 5 साल पहले की बात कर रहा, तो 5 घटा दो तभी तो, जैसे अभी आप अगर 30 साल के हो तो 5 साल पहले कितने के रहोगे, 25 साल के रहोगे, तो 5 साल पहले माइनस कर दिया, तो पास्ट में इनका जो रेशियो दे रखा है कौन है, राम और दूसरा है श्याम। ठीक है गाइज, दूसरा श्याम है, तो पहले इनका कितना था, 2:3 था। अब बोले अब से 5 साल बाद, अब से मतलब प्रेजेंट से 5 साल बाद इनका कितना हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा, 5 साल बाद कितना हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे इनका डिफरेंस कितना है, 1, और यहाँ पे भी इनका डिफरेंस कितना है, 1 है। ओके गाइज, तो यहाँ से 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो कितनी सारे लग गई, प्रेजेंट से 5 साल पहले और प्रेजेंट से 5 साल बाद, तो कुल मिला के यहाँ 5 ये और 5 ये, तो टोटल कितनी साले लग गई गाइज, 10 साले। तो इनका जो अंतर है, 1 यूनिट का जो अंतर आया है इनके बीच में, उसको आने में कितनी साले लग गई थी, 10 साले लग गई थी गाइज। ठीक है, तो अब देखिए ये वाले में अगर करें तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 यूनिट्स। ठीक है, 1 की वैल्यू 10, तो 3 की 30, और 4 की कितनी हो जाएगी, 40 ईयर्स। ठीक है गाइज, तो ये जो आई है वो आपकी फ्यूचर में आई है, बट आपको तो प्रेजेंट का चाहिए था, तो प्रेजेंट में निकालने के लिए 5 साल, भाई हम यहाँ पे हैं अभी फ्यूचर में है, समझिए फ्यूचर में है, किसी की एज ये निकल के आई है कितनी, 30, और फ्यूचर और 5 साल बाद आइए ना, तो ये 5 कम कर दें मैं यहाँ से, जब 5 कम करेंगे तो ये कितने साल का रहा होगा, 25 साल का रहा होगा गाइज, और ये 5 से कम करेंगे, ये अभी 40 का है, 5 कम करेंगे तो ये 35 साल का रहा होगा। अब हमसे क्वेश्चन है पूछा इनका योग, जब हम इनका योग निकालेंगे गाइज, तो योग कितना हो जाएगा, 25 और प्लस 35 कितना हो जाएगा, 60 साल के हो जाएंगे वो प्रेजेंट में, उन दोनों का जो योग रहेगा वो कितना रहेगा गाइज, 60 साल का रहेगा। तो समझ में आया होगा, ऐसे सारे क्वेश्चंस पुराने कर चुका हूँ, बस इसमें इतना कॉन्सेप्ट बढ़ गया था, उनकी आयु का योग और निकालना आ गया था, तो अगर पूछा जा रहा तो निकाल सकते हो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम, ठीक है, जिन क्वेश्चन को लिखने में बहुत टाइम लगता है, करने में इतना टाइम नहीं लगता, इसलिए मैं वीडियो को पॉज करके आसानी से क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, राम की आयु उसकी बेटी की आयु की कितनी है, 4 गुना है। राम की जो आयु है वो उसकी बेटी की आयु की कितनी है, 4 गुना। अगर हम बात करें राम, ये राम है और ये उसकी डॉटर है, ठीक है, तो राम की ये 4 गुना है। अगर राम 4 का है तो पुत्री कितने की होगी, 1 की होगी। अब इनने बोला 5 साल बाद, 5 साल पहले, क्या बोला, 5 साल पहले, ठीक है गाइस, तो इसको थोड़ा नीचे लिखते क्योंकि ये प्रेजेंट का है, और इनने बात कर दी 5 साल पहले की, तो जो ये प्रेजेंट है 5 साल पहले जाएंगे तो -5 कर देंगे। 5 साल पहले उनकी आयु का जो अनुपात था 9 गुना थी, अर्थात जो राम था वो 9 था और जो पुत्री थी वो 1 की थी, तो ये पास्ट का ये केस दे रखा है। अच्छे से समझना है कि ऊपर लिखना है नीचे लिखना है, आप समझिए इस समय जो उनकी आयु का अनुपात है वो 4 और 1 है, मतलब 4 गुना। अगर ये 4 का है तो वो 1 का, तो इसका 4 गुना हो गया। बोले तो 5 साल पहले वो 9 गुना था, 5 साल पहले गए पास्ट में पहुंच गए तो वो 9 गुना था। अब भाई वाला केस लगाएंगे, इनका डिफरेंस कितना आ गया गाइस, 0। इनका डिफरेंस कितना आ चुका है, 5। तो बोला था जब भी डिफरेंस जब तक बराबर नहीं होगा तब तक हम ये साल जो होते हैं इनके बीच का जो अंतर होता है बराबर नहीं करते, कितना है। तो यहाँ पे एक चीज देखिए,
मैंने बोला था फिर इनका निकालते, इनका अंतर कितना आ जाएगा 3 और इनका अंतर कितना आ जाएगा गाइज 8। तो जो नीचे का अंतर रहेगा उससे ऊपर गुणा कर दो, जो ऊपर का अंतर रहेगा उसमें नीचे गुणा कर दो। नीचे आ रहा है 3, तो 3 से करेंगे 9 × 3 = 27 और ये कितना हो जाएगा गाइज 3 हो जाएगा। ठीक है, उसी के नीचे लिख रहे तो वही रहेगा और ऊपर 8 आया था तो 8 × 4 कितना हो जाएगा 32 और इससे 8 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा गाइज। ठीक है, अब इनके बीच का अंतर कितना आ चुका 5 और यहाँ भी अंतर कितना आ चुका 5, समझ में आ रहा होगा। तो जो 5 का अंतर आया अर्थात जो 5 यूनिट की वैल्यू आई है उसको लाने में कितने साल लगे, प्रेजेंट में ये और ये 5 साल पहले का है, अर्थात ये प्रेजेंट का और ये 5 साल पहले का। तो आप समझ लीजिए सिंपली कॉन्सेप्ट यही है कि 5 यूनिट का अंतर लाने में 5 साल लग गई थी, तो 1 यूनिट का अंतर लाने में कितनी साल लगेगी, 1 साल लगेगी। अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट की तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 है तो 32 यूनिट की वैल्यू 32 होगी, अर्थात जो हमारा राम है वो 32 साल का होगा प्रेजेंट में और जो उसकी बेटी होगी वो 80 ईयर्स की होगी। तो आप देखो प्रेजेंट में जो उनका योग था वो 4 गुना था, अगर ये 8 है तो ये 32 आया निकल के। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और ये क्वेश्चन भी फिनिश हो गया। नया क्वेश्चन देखिए आप, ठीक है गाइज, इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, इसको पढ़ के बाद ठीक है ऐसा लग रहा होगा कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाएगा। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है, मतलब पिता इज 3 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर, ठीक है सन, ठीक है। तो कितना है, पिता जो है वो पुत्र की आयु का 3 गुना है, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु पिता की आयु की कितनी थी, 1/6 गुना। 1/6 गुने का मतलब पिता 6 का होगा तो पुत्र 1 का होगा। वर्तमान पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। एक क्वेश्चन तो यहाँ तक आगे और कनेक्ट किया है, उसकी माँ की शादी के समय पर वह उसके पिता से 5 वर्ष छोटी थी, उसके 5 वर्ष छोटी थी, मतलब जो माता थी, माता की जब पिता से शादी हुई थी तो 5 साल छोटी थी, तो उसकी माता की भी आयु हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं प्रेजेंट वाला देख लेते हैं गाइस, प्रेजेंट की सबसे पहले बात करेंगे। तो प्रेजेंट में क्या लिखा है, पिता जो है पुत्र की आयु का कितना है, पिता पुत्र की आयु का 3 गुना है। अगर हम मान लेते ये फादर है और ये सन है तो पिता 3 का होगा तो पुत्र कितने का हो गया, 1 का हो गया। अब ये बोला 5 साल पहले, 5 साल पहले जाओगे तो यहाँ पे 5 माइनस करना पड़ेगा तो कहाँ पहुँच जाओगे, पास्ट में पहुँच जाओगे। कितना था, 1/6 गुना, अर्थात फादर 6 था तो पुत्र कितने का था, 1 का था। अब इनका डिफरेंस देखो कितना है, 0 और इनका डिफरेंस कितना है, 3। ठीक है, इनका अंतर 3 आ गया और इनका अंतर 1 से 1 घटेंगे 0 आ गया, तो अंतर बराबर नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, इनका डिफरेंस निकालो 2 और इनका डिफरेंस कितना आया 5, जो नीचे का डिफरेंस आया उसमें ऊपर से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 12। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 2 गाइस। ठीक है, अब जो ऊपर का डिफरेंस आया था उसमें नीचे से गुणा करो, 5 × 3 कितना हो जाएगा 15 और 5 × 1 कितना हो जाएगा 5। अब देखो यहाँ पे जो अंतर आया वो कितने का आया, 3 का, और यहाँ भी अंतर आया 3 का, और जो 3 का अंतर है वो क्वेश्चन में आने में कितनी सालें लग गई थी, 5 साल लग गई थी, अर्थात 3 यूनिट की जो वैल्यू है वो 5 है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइस, 5/3 हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे अगर मैं प्रेजेंट एज की बात करूँ तो नीचे वाला तो प्रेजेंट था तो प्रेजेंट नीचे वाला ही रहेगा, तो ये 15 किसकी है, पिता की 15 यूनिट, 1 यूनिट 5/3 है तो 15 यूनिट कितना हो जाएगा, इससे निकाले तो 3 × 15 = 15, तो ये हो जाएगा 25 साल का। ठीक है, अगर हम पुत्र की बात करें तो पुत्र कितने का था, 5 का, तो 5 की 5 से गुणा करोगे तो वो 3/5, तो ये 25/3 का हो जाएगा, तो पुत्र जो होगा वो उस समय 25/3 साल का रहा होगा। तो यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बोला उसकी माँ की, ठीक है, शादी के समय पर, ठीक है, उसके पिता से 5 वर्ष छोटी थी, तो अभी वो क्या रहेंगी, 5 वर्ष छोटी रहेंगी ना, ऐसा थोड़ी ना शादी के समय 5 साल छोटी थी, अब शादी के 10 साल गुजर चुके तो 20 साल छोटी हो जाएंगी। अंतर हमेशा क्या रहता है, बराबर ही रहता है। अगर पिता उस समय 25 के रहे होंगे तो उसकी मम्मी उस समय 20 की रही होंगी, अब अगर पिता 40 के हो गए तो मम्मी कितने की हो जाएंगी, 35 की हो जाएंगी, मतलब अंतर क्या रहना है, बराबर ही रहना है। अब देखो तो मदर की निकालना है ना, तो मदर की जब निकालेंगे, मदर क्या थी, ये क्वेश्चन तो यहीं तक हो गया आपका, मदर थी आपकी 5 साल छोटी पिता से, अगर पिता की इस समय 25 है तो 5 घटा दो तो मदर की इस समय कितनी साल होगी, 20 साल होगी। समझ में आया गाइज, तो ये खाली क्वेश्चन घुमाने के लिए इतना बड़ा कर दिया था, माँ का केस जोड़ दिया था इसमें, वैसे क्वेश्चन में कुछ नहीं था, वैसे ही आसान क्वेश्चन। नया क्वेश्चन देख लीजिए गाइज, उसके बाद मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस कराने हैं इसमें, इतने सारे क्वेश्चन करा देंगे कि आपको जब भी एज रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े। देखा मीना और उसकी माँ की आयु का अनुपात कितना है, 3:8 है, ये समझ लो 3:8 है का मतलब प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट, प्रेजेंट में कितना है, एक मीना है और उसकी क्या है माँ, मदर। ठीक है, उनका जो अनुपात है वो कितना है गाइस, 3:8 है,
क्लियर। अब बोला 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, अगर 10 साल बाद उनकी आयु का अंतर कितना हो, 35 हो। अब समझ लो 10 साल बाद अगर अंतर 35 होगा तो अभी भी अंतर 35 का ही होगा। मैंने क्वेश्चन बताया था आपके लिए कि अंतर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे हम कितने साल आगे जाएं या कितने साल भी पीछे जाएं। तो यहाँ पे अंतर देख लो, ये क्वेश्चन खाली कोई भी याद नहीं है, ये 4 साल बाद पूछा है, अभी बताते हैं। पहले यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है गाइस, 5 का, और क्वेश्चन में ये कितने का अंतर दे रखा है, 5 यूनिट का अंतर है। यहाँ पे क्वेश्चन में ये अंतर है आपका 35 के बराबर सिंपली। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गया, 7 के बराबर। तो 3 यूनिट किसके बराबर हो गया, 21 के, और 8 यूनिट किसके बराबर हो गया, जो भी अंतर होता है ना उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 7 3 21 हो गया, ठीक है, और 7 8 कितना हो गया, 56 हो गया। तो ये जो 56 आया है ना गाइस, ये समझ लो इनकी प्रेजेंट एज आई है। ये क्या आई है, प्रेजेंट एज आई है। और आपसे पूछा 4 साल बाद उनका कितना होगा, तो प्रेजेंट में 4 साल बाद, तो प्लस यहाँ भी 4 करो तो ये कितने साल का हो जाएगा, 25 साल का हो जाएगा। और यहाँ भी हम प्लस 4 ऐड करते तो ये हो गया होगा 60 साल का। अब इनसे ये नहीं पूछा था आपसे कि इनकी एज क्या होगी, इनकी एज का अंतर पूछा था। तो 25/60 कर दो, तो 5 से काट लो, 5 5 25 और 12 5 60, तो इनका जो अनुपात होगा 4 साल बाद वो 5:12 कितना होगा, 12 होगा। ठीक है गाइज, एक बार फिर देख लीजिए, इस समय इनका जो अंतर अनुपात है वो 3:8 था, इसका अंतर निकाला 5, और क्वेश्चन में ये अंतर दे रखा था। यहाँ पे अंतर में सालों को हमें देखना जरूरी नहीं होता, अंतर में कितनी भी साल दे रखी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 5, क्वेश्चन में 35, 1 7 यूनिट के बराबर, 3 21 के बराबर, 8 56 के बराबर। अब पूछा 4 साल बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो पहले 4 साल बाद इनकी आयु निकाल लो, 21 इस समय है, 4 साल बाद 25 के होंगे, 56 इस समय है, तो 4 साल बाद 60 के होंगे। 25 और 60 का हमको अनुपात निकालना है, तो 25/60, 5/12, 5 5 25, 12 5 60, तो 5/12 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए गाइस आपके सामने कुछ आसान क्वेश्चन लेके आया हूँ, ये इतने टफ नहीं है, बस इनका लैंग्वेज समझना आसान है, मतलब टफ है थोड़ा, ठीक है। द टोटल एज ऑफ ABC, मतलब ABC की टोटल एज एट प्रेजेंट इज 90 ईयर्स, मतलब प्रेजेंट में समझिए क्वेश्चन को, जो प्रेजेंट की बात चल रही है, प्रेजेंट में ए प्लस बी प्लस सी तीनों का जो सम है एज का वो कितना है, 90 है, ठीक है। अब आपसे पूछा 10 साल पहले, अब यहाँ पे देखो आपकी प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट की, प्रेजेंट में, ठीक है, ये प्रेजेंट हो गया, ऊपर जाओगे तो क्या हो जाएगा गाइस, पास्ट हो जाएगा, तो पास्ट हो गया, पास्ट कितने, 10 साल पहले की बात कर रहे हैं। बोले देन 10 ईयर्स एगो, 10 साल पहले द एज रेशियो ऑफ देयर एजेज वाज 1:2:3 देन प्रेजेंट एज ऑफ बी, मतलब बी का आपको प्रेजेंट एज ज्ञात करना। तो सिंपली समझिए, तो इस समय जो इनका अनुपात है वो 1:2 कितना है, 3 है, ठीक है गाइज। कब है वो, पास्ट में है, और जो आपको एज दे रखी है वो प्रेजेंट में दे रखी है। तो पास्ट में जाओगे तो आपकी एज क्या होगी, कम होगी। अगर आप 30 साल के हो इस समय, तो 5 साल पहले 25 के रहे होगे, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे 10 साल पहले। अब 10 साल पहले जाओगे तो तीनों घटेंगे, ए भी 10 घटेगा, बी भी 10 घटेगा, और सी भी 10 घटेगा। तो घटने पर क्या हो जाएगा, दोनों तीनों 10 10 घटेंगे तो 30 घट जाएगा, तो कितना बचा, 60 बचा। अब जो 60 आया है ये किसका एज आ गया, प्रेजेंट का आ गया, सॉरी पास्ट का आ गया, और पास्ट का ही आपको अनुपात दे रखा है। तो मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको यही बताया था, जिसमें आपका अनुपात है उसी में आपको एज ले जानी होगी, ठीक है। अब इनका अगर हम सम कर लें 1 2 3 का, तो 1+2+3 की बात करूं तो ये हो गया आपका कितने का एज हो गया, 6 यूनिट, और 6 यूनिट किसके बराबर है, 60 के बराबर है, समझ लेना। तो 1 यूनिट की अगर हम बात करें तो वो किसके, 6 2 60, तो 1 यूनिट हो गया आपका 10, मतलब ईयर के इक्वल हो गया, किसके इक्वल हो गया, 10 ईयर के। अब हमसे बी की पूछी है, और बी की कौन सी पूछी, प्रेजेंट एज पूछी है। तो अगर हम बी से यहाँ पे पहले ये निकाल लेते हैं, 10 से करेंगे तो ये कितना हो गया, 20 ईयर का हो गया। ये 10 साल पहले 20 साल का है, तो इसमें 10 जोड़ दीजिए, तो इस समय कितने का होगा, 30 साल का होगा। फिर से समझिए, ये 90 साल जो दे रखा था वो प्रेजेंट में दे रखा था, और जो अनुपात दे रखा था वो 10 साल पहले का दे रखा था। तीन लोग हैं तो तीनों 10 10 घटेंगे, तो इसलिए 30 घट गया प्रेजेंट। जो पास्ट में बचा वो 60 साल का बचा, और पास्ट में जो सम था वो इनका 6 यूनिट था, इधर 60 था, तो एक की वैल्यू 10 हो गई। अब जो एज जो जिसमें रेशियो है वो पास्ट में है,
तो अभी जो हम एज निकालेंगे वो भी पास्ट में ही निकालेंगे, अर्थात जो भी एज आएगी वो 10 साल पहले की आएगी, बट आपको एज बतानी है, वर्तमान बतानी है। तो वर्तमान बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी निकल के आए कितना वर्तमान बताना, 10 साल बाद बताना है, मतलब पास्ट से 10 साल प्रेजेंट में आओगे तो 10 जोड़ दोगे, कितने साल का हो जाएगा, 30 साल का हो जाएगा। और ये केस खत्म। नया क्वेश्चन देखिए, नए क्वेश्चन में क्या लिखा है उसको हटा दो, ये तो हो गया है। नया क्वेश्चन देखते हैं, इससे फुल्ली कंसंट्रेट इसी पे हो। देखिए द रेशियो एज, मतलब ए अपोस्ट्रोफी एस, मतलब ए का एंड बी का, ठीक है, कितना है, 4:5 है, मतलब ए और बी का जो रेशियो दे रखा है वो कितना है, 4:5 है, ठीक है। और बोला इनका प्रोडक्ट 320 है, तो यहाँ पे कुछ भी लगा लो, मान लिया कि ये 4x है और ये 5x मान लिया, ठीक है गाइस। अब बोला इन दोनों का जो प्रोडक्ट है इनकी आयु का वो कितना है, 320 है। क्वेश्चन में क्या देखा, यही तो इनका जो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब इन दोनों की गुणा जो है वो कितना, 320 है। तो आपसे ए की परसेंटेज पूछी है, तो आप यहाँ से देखो ये कितना, 4 और 5 कितना हो जाएगा, 20, और 20 का एक जीरो कट जाएगा यहाँ से, और बाकी कितना हो जाएगा, 16। अगर 20 से भाग करोगे 320 के लिए तो 16 ही आएगा। अगर किसी के समझ नहीं आ रहा है तो मैं पूरा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, कितना हो गया, 320, ठीक है गाइस। ये 4, ये x² हो जाएगा, 4 और 5 इसके नीचे पहुँचा दो, ठीक है। तो 5, अब 4×5 कितना हो जाएगा, यार सीधे 4×5 20 इसके नीचे पहुंचा दो, 0 से 0, 2 से 16, तो x² 16 हो गया, तो x कितना हो गया गाइस, 4 हो गया। अब आपसे a का पूछा है, तो a कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे कितना, 4x, और x की वैल्यू 4, तो 4×4 कितना हो जाएगा, 16 साल का हो जाएगा, समझ में आ गया। अगर b का पूछता तो b का पूछा नहीं है और पूछता तो यहाँ भी 4 से गुणा कर लेते तो ये 20 साल का हो जाता, ठीक है गाइस, समझ में आया होगा। नया क्वेश्चन भी देख लीजिए, तीसरा क्वेश्चन इस पॉइंट का। तीसरे क्वेश्चन में आपसे सिर्फ क्या दे रखा है इस क्वेश्चन, और ये आगे जो लिखा है ना वो ऑप्शन लिखता हूँ मैं, क्वेश्चन में ध्यान रखना। जैसे ये लिखा 20, 16 और 24, उसके बाद एन का मतलब होता है नन ऑफ दीज, ठीक है, शॉर्ट में लिखने के लिए। तो ये ऑप्शन लिखे हुए मैंने सारे, जो भी क्वेश्चन, जैसे इसमें भी ऑप्शन लिखा 30 होगा, 20 होगा, 10 होगा या 40 होगा। तो पहले समझ लीजिए क्वेश्चन क्या बोला है, द एज रीनाज इज, मतलब द एज रीना इज 3 times या 3x ऑफ द एज ऑफ हर सिस्टर, यंगर सिस्टर, मतलब जो रीना है, ये रीना हो गया और ये इसकी यंगर सिस्टर हो गई, वो उससे कितना है, 3x है। अगर रीना 3 साल की है तो उसकी सिस्टर कितनी है, 1 साल की है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज इज 300, अब प्रोडक्ट मान लेते तो इसको 3x ले लीजिए और इसको क्या कर लेंगे, x ले लेंगे, तो इन दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, 300 दे रखा है। अब 3 से काटेंगे गाइस तो कितना हो गया, 100, और इधर x कितना हो गया, x² और 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का, इनके दोनों के बेस समान है, सॉरी पावर एक जैसी है तो बेस इक्वल कर देंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। अब आपसे पूछा किसका है, रीना का पूछा है, तो रीना यहाँ से निकालो, यही तो है 3x, तो 3x की वैल्यू कितनी आ चुकी, 10, तो रीना कितने साल की होगी, 30 साल की होगी। अगर हम इसकी निकालते तो x की वैल्यू 10 है, तो ये जो इसकी सिस्टर होगी तो x ये 10 साल की होगी गाइस, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ समझ में आए होंगे। तो ऐसे गाइस पहला क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ एज ऑफ रीना एंड सीमा इज 240, मतलब जो रीना और सीमा की एज का प्रोडक्ट है वो कितना है, 240 है। रीना और सीमा की एज का प्रोडक्ट कितना है, 240, एक इक्वेशन तो यहाँ से बना लो। अगला लिखा है, इफ ट्वाइस द एज ऑफ सीमा इज मोर देन, ठीक है, मोर देन रीनाज एज बाई 4 years। यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन ये समझ लीजिए, क्वेश्चन में ये बोला है जो आपकी इफ़ द ट्वाइस मतलब दोगुनी है एज ऑफ द सीमा, सीमा की एज की दोगुनी है, इज मोर देन 4, इज मोर देन रीनाज एज बाई 4 years और रीना की एज का 4, मतलब फिर से क्वेश्चन समझिए, रीना और सीमा की आयु का जो गुणनफल है वो 240 है, यदि सीमा की आयु, ठीक है, उसके 2 गुने से 4 ज़्यादा है, ठीक है, अगर सीमा की इफ़ द ट्वाइस एज ऑफ सीमा, अगर सीमा की एज का क्या कर दिया जाए, क्वेश्चन साथ साथ में समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, सीमा का ट्वाइस करना, तो सीमा का ट्वाइस कर दिया, इफ़ द ट्वाइस एज ऑफ द सीमा, एज एज का मतलब यहाँ पे क्या आ गया गाइज, इक्वल आ गया, मोर देन रीनाज बाई 4 years, तो रीना जो है उससे 4 ज़्यादा है, ये कॉन्सेप्ट में आपसे पूछा गया, बस ये 2 इक्वेशनें बन गई आपकी। अब फिर से समझ लीजिए, द प्रोडक्ट ऑफ रीना एंड सीमा, तो रीना और सीमा का प्रोडक्ट कितना हो गया, 240, इफ़ द ट्वाइस द एज ऑफ सीमा, सीमा का ट्वाइस का मतलब 2 गुना कर दिया, एज मतलब इक्वल हो गया, कितना है, मोर देन 4 एज बाई 4, ठीक है, मतलब रीना की एज का 4 years ज़्यादा है,
ठीक है, तो 4 ज़्यादा कर दिया। अब ऐसे क्वेश्चन को अगर आपने एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में रखा तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में टाइम लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से सॉल्व करें। ऑप्शन से क्या है, पहले ऑप्शन ले लेते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जो ऑप्शन इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर देता है, जो ऑप्शन इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा वही इसका आंसर होगा। तो पहले मैं क्या कर लेता हूँ, आपसे किसका पूछा, व्हाट इज द सीमा एज पूछता है। सीमा का मतलब ये एस दे रखा है आपको, तो एस की वैल्यू अगर हम फर्स्ट में लगा लें, चलो यहीं लगा लो, एस की वैल्यू वहाँ पर कितना लगा लेते हैं, एस की वैल्यू सपोज करो मैं 12 लगा लेता हूँ, तो 2 और ये कितना हो गया 12 हो गया, और ये आर प्लस कितना हो गया 4, 12 दूनी कितना हो जाएगा ये 24, और ये 4 इधर प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो आर यहाँ से आ चुका है 20। ठीक है, अब R की वैल्यू जो इसकी हेल्प से निकाला वो अगर मैं फर्स्ट में रख देता हूँ R और S, तो R कितना आ चुका है 20, और S आप 12 लेके ही चले थे, और इधर कितना 240, 12 दूनी 24, 240 इक्वल 240। अगर एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर दिया तो दूसरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जो पहले मैंने S इस वाली इक्वेशन में रखा था, इसमें रखा था, तो यहाँ से R निकाल लिया, R और S फर्स्ट में रखा सेटिस्फाई कर दिया, तो आपका आंसर जो है वो 12 ही करेक्ट हो जाएगा, और इस तरह से ये ऑप्शन आसानी से कर सकते हो। तो ऑप्शन से भी कुछ क्वेश्चन करने चाहिए, क्योंकि अगर नहीं तो दूसरा मेथड क्या है इसका वो मैं आपके लिए बताता हूँ। देखो टफ नहीं है, मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। जैसे यहाँ से मैं अगर R की वैल्यू निकाल लेता हूँ, R की वैल्यू निकालूंगा तो R इक्वल टू 240 अपॉन S आ जाएगा, तो ये देखो टिफिकल होने वाला है, 240 अपॉन एस आ गया। ठीक है, तो आर अब ये कितना आ गया 2s हो गया, आर की जगह कितना आ गया 240 अपॉन एस आ चुका है, ये प्लस का 4 हो गया, इनका एलसीएम लोगे तो ये एस में एस क्या हो गया 2s, 240 प्लस का 4s हो गया अपॉन में एस, एस से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 2s स्क्वायर, और ये कितना 240 और प्लस का 4s। अब देखिए आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, फिर s की दो वैल्यू आएंगी, तो बहुत लंबा क्वेश्चन है, इस तरह से बिल्कुल नहीं करना है, सिंपल करना है ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 वर्ष पहले ए की माता ए से कितने गुना बड़ी थी, 4 गुना बड़ी थी। तो 10 वर्ष पहले की हम बात करते हैं, हम किस में चल रहे हैं अभी, प्रेजेंट में, तो ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट से कितने साल पहले की बात कर रहा है, 10 साल, 10 माइनस कर दिया कितना है 4 गुना बड़ी थी, तो ये माता हो गई और ये कौन है उसका सन ए। ठीक है, तो ये 4 गुना ये 4 और इसका रेशियो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब बोला क्या आगे क्या बोला, 10 वर्ष बाद भाई ए से 2 गुना बड़ी हो जाएंगी, 10 वर्ष बाद, तो यहाँ 10 वर्ष बाद की बात कर लेते हैं, अभी ये प्रेजेंट चल रहा है 10 वर्ष, यहाँ पहुँच गए थे पास्ट में, अब आ गए यहाँ फ्यूचर में, तो 10 वर्ष बाद भाई ए से कितना गुना बड़ी रह जाएंगी, 2 गुना बड़ी रह जाएंगी। अब गाइस आप खुद से देखिए, इनका जो डिफरेंस है वो 0 आ रहा है, और इधर का डिफरेंस कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो आपको बताया था जब भी डिफरेंस इक्वल नहीं होता तो सबसे पहले डिफरेंस इक्वल कर रहे हैं, इनका अंतर कितना आ जाएगा 2 और 1 का 1, और इनका अंतर आ जाएगा 4 और 1 का 3, तो नीचे वाले अंतर से ऊपर मल्टीप्लाई करना है, नीचे कितना 1 तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ऊपर कितना है 3, तो 3 से यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये हो गया 3, तो यहाँ अंतर कितना आ चुका 2, और यहाँ भी अंतर कितना आ चुका 2। अब 2 का अंतर लाने में 10 और 10 कितनी साले लग गई 20, तो 2 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है 20, 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 10 के बराबर। ठीक है, आपसे कौन सी एज पूछी है, प्रेजेंट एज पूछी है, तो अभी तो प्रेजेंट नहीं निकलेगा, या तो पास्ट निकलेगा या फ्यूचर निकलेगा, तो फ्यूचर निकालेंगे तो प्रेजेंट निकालने के लिए माइनस करना है, और पास्ट निकालेंगे तो हमारे लिए प्रेजेंट लाने के लिए ऐड करना पड़ेगा। तो एक यूनिट 10 है तो 6 यूनिट कितना हो जाएगा गाइस 60 ईयर्स हो जाएगा, और 3 कितना हो जाएगा 30 ईयर्स हो जाएगा। बस यहाँ पे इतना देखना है, अब आपको क्या लाना है, प्रेजेंट लाना है, और ये 10 घटा दो इसमें से, तो 10 माइनस करेंगे तो ये 50 साल का हो जाएगा, और इसमें से 10 माइनस करेंगे तो ये 20 साल का हो जाएगा। माइनस क्यों कर रहे हैं आपको पता है, आपने आगे की निकाल ली है 10 साल और आगे की, यहाँ आपको चाहिए थी वर्तमान की, और आपने निकाल ली भविष्य की। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही पूछी थी, तो एक ही कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी, और 20 ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक और है, वो भी देख लीजिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए गाइस, इसका तीसरे क्वेश्चन में लिखा है, पिता की आयु उसके तीनों पुत्रों की आयु के योग की 4 गुनी है। ठीक है, मतलब जो पिता की आयु है वो उसके तीनों पुत्रों की आयु के योग की 4 गुनी है, परंतु 6 वर्ष बाद वह केवल 2 गुनी रह जाएगी, पिता की आयु निकालना। तो इस क्वेश्चन को हम उस मेथड से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम होगी सॉल्व करने में, तो इसलिए इसको जनरल मेथड से सॉल्व करना है। वो करना सिंपल वैसे ही है, ये फादर हो गया,
फादर की जो एज है वो उसके तीनों पुत्रों की चार गुनी, मान लेते हो पहला सन, दूसरा और ये तीसरा, तीनों सन हो गए, तीनों एज का सम हो गया और उसका कितना है, चार गुना है, अर्थात तीनों की कितनी होगी, चार गुना। तो यहाँ से एफ इधर है, इसको इधर ले लो, मल्टीप्लाई में इधर आ गया, डिवाइड एस वन प्लस एस टू प्लस एस थ्री, इसको इक्वेशन वन बना देता हूँ अभी, ठीक है। उसके बाद बोला 6 वर्ष बाद, अब 6 वर्ष बाद की बात कर रहा हूँ, तो 6 वर्ष में क्या होगा, पिता भी बढ़ेगा, अभी कितनी थी एफ थी, अब वो 6 वर्ष बढ़ गया। उसके बाद बोला 6 वर्ष बाद तो सभी सन भी बढ़ेंगे, ये पहला भी 6 साल बढ़ा, दूसरा भी 6 साल बढ़ा और तीसरा भी 6 साल बढ़ा। तो यहाँ पे एफ प्लस सिक्स, यहाँ पे एस वन एस टू एस थ्री, एस वन एस टू और एस थ्री, 6 प्लस 6 प्लस 6 कितना हो गया, 18 हो गया गाइस, ठीक है। अब क्या करिए, आप F और ये 6 उधर ले जाइए, S1 प्लस S2 प्लस S3 की वैल्यू यहाँ से उठा लीजिए, तो कितना हो गया F अपॉन 4 आ गया गाइस, ठीक है। और ये कितना 18 और ये 6 इधर आके कितना हो गया, माइनस का 6 हो गया, ठीक है। अब F को इधर ले लो, F अपॉन कितना हो गया 4 और ये 18, यहाँ कितना बचा 12, इनका एलसीएम ले लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 4F हो गया और माइनस का F अपॉन में कितना आ रहा 4 और इधर कितना आ रहा 12, ये घटा देंगे तो कितना बचा होगा गाइस, 3F और 12 और 4 की गुणा हो जाएगी, तो 12 3 चौक 12, तो पिता कितना हो गया 16 साल का हो गया, ठीक है गाइज। मतलब पिता की जो एज आ गई है, पिता की जो एज आई है वो कितनी आ गई गाइज, अभी तो यहाँ से कितना निकल के आ रखा है, एक सेकेंड गाइज अभी चेक करता हूँ। दी गई इसमें थोड़ा पढ़ने में मिस्टेक हुआ था, ये बोला था परंतु 6 वर्ष बाद भाई दोगुनी रह जाएगी, तो यहाँ पे आपका गाइज कितना होगा, अपॉन में दोगुनी हो रह जाएगी ना, तो यहाँ 2 से करना है, तो फिर यहाँ भी बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप 2 जब अलग अलग करेंगे, इस लाइन से मैं फिर से समझा देता हूँ, तो एफ के अपॉन में 2 हो जाएगा और 6 अपॉन 2 होगा, तो ये गाइज 3 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है, एफ अपॉन 4 है और प्लस का ये 18, इसको इधर ले आएंगे, एफ 2 माइनस एफ ये 4 हो जाएगा, 18 माइनस 3 कितना बच जाएगा, 15 बच जाएगा। इसका एलसीएम लेना गाइस, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 2 2 जा 4, तो ये 2F हो जाएगा और इसके नीचे तो 4 है तो ये F ही रहेगा और इधर कितना हो गया, 15 हो गया, ठीक है गाइस। तो यहाँ से करेंगे तो ये F हो जाएगा और 15 की 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 60, तो पिता कितने साल का रहा होगा, 60 साल का रहा होगा गाइस, ठीक है। ओके गाइस, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है गाइज, यहाँ पे लिखा है, ये परसेंटेज वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये नए टाइप के क्वेश्चंस हैं। एक व्यक्ति की आयु उसकी 10 वर्ष पहले की आयु का कितना है, 10 वर्ष पहले की आयु का कितना है। सबसे पहले आप चलेंगे किस में, प्रेजेंट में, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, सबसे पहले प्रेजेंट में 10 वर्ष पहले दे रखा है, तो 10 वर्ष पहले आप माइनस कर लिया करो, जिससे आपको समझ में आ जाएगा आप पास्ट में पहुंच चुके हो। तो कितना था, 150% था, कितना प्रतिशत, 150। अगर 150% को मैं सॉल्व करूंगा गाइज, तो 150% का मतलब हो गया, 150% का मतलब होता है 1/100, ठीक है। यहाँ पे काट लेंगे, 50 दूनी 100, 50 थी 150, तो इनका जो आ चुका है वो कितना आ चुका है, 3:2 आ चुका है गाइज, ठीक है। ये प्रेजेंट का हो गया, सॉरी पास्ट का हो गया। उसके बाद क्या बोला, 10 साल बाद, 10 साल बाद मतलब प्रेजेंट से 10 साल बाद की बात करते हैं, तो 10 साल बाद उनका कितना रह जाएगा, 75% रह जाएगा, तो 75% का मतलब हो गया गाइस 75/100, ठीक है। 75/100 का मतलब, यहाँ अनुपात ही तो निकालना है, इससे पहले आपके क्वेश्चंस में डायरेक्ट अनुपात दे रखा होता था, इस बार परसेंटेज दे रखा, तो परसेंटेज को अनुपात में बदल लिया, बस इतना सा हो गया काम। 25 थी 75, 25 चौका कितना हो गया 100, तो यहाँ पे कितना हो गया, 3 और 4 हो गया। आपको अब चीज़ ध्यान रखना है, सबसे पहले क्या चलेगा, पास्ट, फिर क्या रहेगा, प्रेजेंट, उसके बाद किस में आएंगे, फ्यूचर में आएंगे, ठीक है गाइज, बस इतना सा ध्यान रखना है। अब देखिए, पहले जो ये जो अंतर है वो कितना दे रखा है, 3 रेशियो कितना दे रखा था, 2। अब भाई देखो, पास्ट में गए हो, पास्ट में एज क्या होगी तुम्हारी, कम होगी, और प्रेजेंट में क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो प्रेजेंट में यहाँ देखो, प्रेजेंट में एज क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो प्रेजेंट में कितना हो जाएगा, 3, और पास्ट में कितना हो जाएगा, 2। समझ लीजिए, जब भी आप पास्ट में जाओगे, अभी यहाँ पर अगर 30 साल के हो, 5 साल पास्ट में चले गए तो 25 के रह जाओगे, बस इतना ध्यान रखिए। पास्ट में एज कम होगी, प्रेजेंट में ज़्यादा होगी, ऐसे फ्यूचर में ज़्यादा होगी, प्रेजेंट में कम होगी। तो नया वाला क्वेश्चन यहाँ से आएगा, पहले इन दोनों के बीच में ये अनुपात आया है, पास्ट और प्रेजेंट में, तो आपको समझना है कि पास्ट कम होगा, प्रेजेंट ज़्यादा होगा। अब ये जो आया केस, अगला वाला एफ फ्यूचर में, तो अब प्रेजेंट और फ्यूचर में आया, तो प्रेजेंट और फ्यूचर में कौन सा ज़्यादा होगा, फ्यूचर ज़्यादा होगा। तो अगला वाला देखिए क्या है, प्रेजेंट का कितना आ जाएगा, 3, और ये फ्यूचर का कितना हो गया, 4, ठीक है गाइज। तो यहाँ से जब ये वाला बराबर हो, तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो 2 रेशियो 3 रेशियो कितना हो गया, 4, तो इनकी जो रेशियो आ गया है वो 2 रेशियो 3 रेशियो 4 आ चुका है, ठीक है गाइज। अब यहाँ पे देखो, इन्होंने क्या बोला था क्वेश्चन में, 10 वर्ष पहले बोला था, 10 वर्ष पहले ये चाहे तो ये वाला अंतर निकाल लो या ये वाला अंतर निकाल लो, ये किसका, पास्ट और
प्रेजेंट का, यहाँ पे इन दोनों के बीच का अंतर कितना, एक, और क्वेश्चन में पास्ट और प्रेजेंट के बीच में अंतर कितना था, 10। तो अर्थात एक यूनिट जो है, एक यूनिट आपका किसके बराबर है, 10 ईयर्स के बराबर है, 10 ईयर्स के बराबर है। ठीक है गाइज, अब आपसे पूछा किसका है, तो उनकी वर्तमान आयु पूछी है, उसकी वर्तमान आयु क्या होगी, तो सबकी वर्तमान आयु निकालना है, तो आसानी से किसी की भी वर्तमान आयु निकाल सकते हैं। अगर इसकी पूछी जाएगी, भाई यहाँ पे देखो 2, 3, 4 है, अगर एक ही पूछी जाएगी तो 20 हो जाएगी, इसकी पूछी जाएगी तो 30 हो जाएगी, और इसकी पूछी जाएगी तो 40 हो जाएगी। बस क्या करना है, सब में आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, फिर लगभग मैं आपको करा देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए एक बार फिर से। तो देखिए गाइज, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आपको दिया क्या है, इनमें बोला है एक एक व्यक्ति की आयु 8 वर्ष पहले की आयु का कितना है, 125 है, तो 8 की 10 की जगह इस बार कितना दिया, और ये कितना दिया, 125%। 125 की अगर हम बात करें तो 125 बटे कितना हो जाएगा, 100, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, तो यहाँ पे कितना आ चुका, 5:4 आ चुका है। ठीक है गाइज, उसके बाद बोला परंतु 10 वर्ष बाद, तो ठीक है यही लिखा हुआ है, कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा, तो 80% का मतलब 80/100, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, तो ये कितना आ गया, 4:5 आ गया। तो वही केस पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, इन दोनों का अगर रेशियो की बात करें तो यहाँ पे कितना है, भाई ध्यान रखना आपको क्रम से नहीं लिखना है, जो छोटा होगा पास्ट, तो पास्ट कितना हो गया, 4 हो गया, प्रेजेंट कितना हो गया, 5 हो गया, और यहाँ से फ्यूचर पहले वाले में नहीं है, सेकंड वाले में प्रेजेंट और फ्यूचर का है, तो यहाँ पे ये कितना हो गया गाइज, 4 हो गया है, और यहाँ पे ये कितना हो चुका है, 5 हो चुका है, तो अभी तो ये क्या है, इक्वल नहीं है। तो क्या करते हैं गाइज, ऐसे केस में कैसे निकाला जाता है वो चीज़ समझ लीजिए। तो जो पहले वाला ये वाला होता है, इसमें इसकी भी मल्टीप्लाई करते हैं और इसकी भी मल्टीप्लाई करते हैं, बस लास्ट वाले में केवल लास्ट वाले की मल्टीप्लाई की जाती है। जैसे यहाँ पे मैं बता दूँ, तो 1:2 और 3 है ए बी का, बी और सी का 4 और 5 है, तो समझ लेना ए बी और सी का रेशियो लाने के लिए आपको पहला जो नंबर है उसमें दोनों से मल्टीप्लाई करो, 4 × 2 = 8 और 4 × 3 = 12, लास्ट वाले में केवल लास्ट वाले से मल्टीप्लाई होती है, तो सिंपल कॉन्सेप्ट ये लगाएंगे, तो 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20 और 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25। यहाँ पे देखो इनके बीच का जो अंतर है प्रेजेंट और पास्ट का, यहाँ पे अंतर कितना आया गाइस, 4, क्वेश्चन में पास्ट और प्रेजेंट के बीच में कितना है, 8, अर्थात 4 यूनिट जो है आपका वो कितना हो गया, 8 हो गया, तो 4 × 8, तो एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर हो जाएगा। आपसे पूछा है उनकी वर्तमान क्या होगी, तो सबकी वर्तमान है 8 से, सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सब में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही उनकी एज निकल के आ जाएगी। बट आपसे क्वेश्चन में पूछा किसका था, ठीक है, तो 1 4 8 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा गाइस, 2 के बराबर हो जाएगा, तो ये होगा 32, 16 वाला 32 हो जाएगा, 20 वाला 40 का हो जाएगा, ठीक है गाइस, और ये कितने का हो जाएगा, 25 वाला आपका 50 का हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है गाइस। ठीक है, देखिए गाइस ये अच्छा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है, पुत्र तथा, ठीक है क्वेश्चन में लिखा है पुत्र तथा पिता, पुत्र तथा पिता की आयु का अनुपात कितना है, 1:5 है। ठीक है गाइज, यहाँ पे क्या है, सन है, फादर है और मदर है, तीन चीज़ें दे रखी हैं क्वेश्चन में, तो समझिए पुत्र तथा पिता की वर्तमान, पिता की आयु का अनुपात कितना है, 1:5 है, तो जो दे रखा है उसके नीचे लिखना है। माता और पिता की आयु, माता और पिता की आयु जो का जो अनुपात है वो कितना है गाइज, माता और पिता, ये ध्यान रखना, क्रम से ही नहीं लिखना, जैसा लिखा वैसा ही लिख दिया, माता के नीचे माता का लिखना है और पिता के नीचे पिता का लिखना है। तो यहाँ पे देखो पहले पिता आ रहा है, पिता का कितना है, 5 है, और माता का कितना है, 4 है। अब देखो बीच वाली जो संख्या कॉमन है वो एक जैसी है, तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तो 1:5:4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, 2 वर्ष बाद, कितना, 2 वर्ष बाद। अब 2 वर्ष बाद क्या हुआ, 2 वर्ष बाद पुत्र और माता की आयु का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा, पुत्र और माता, पुत्र के नीचे पुत्र का लिखो, माता के नीचे माता का, कितना हो जाएगा, 3:10 हो जाएगा, ये क्वेश्चन में बोला गया है, ये 3:10 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में देख लीजिए, अब इनका जो अंतर है, यहाँ पे देखो गाइस, इनका जो अंतर है 4 और 10 का वो कितना अंतर है, 6 अंतर है गाइस, और यहाँ पे इसको अलग हटाता हूँ, 2 वर्ष बाद, ठीक है, यहाँ पे जो इनका अंतर है वो गाइस 2 है, तो करना ही क्या होता है, अंतर बराबर करना होता है, तो इनका अनुपात कितना आ रहा है गाइस, 7, और एक
अभी पिता से कोई मतलब नहीं, एक और चार का कितना आ रहा है 3, तो 7 से हमें ऊपर वाले में करना है, 7 से करेंगे तो करेंगे सब में, तो ये 7 हो जाएगा और ये 7 × 5 = 35 हो जाएगा और ये 7 × 4 = 28 हो जाएगा। नीचे 3 से कर लेंगे, जब 3 से करेंगे तो ये 3 × 3 = 9 हो जाएगा और ये 3 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब इनका अंतर कितना गाइस 2 और इनका भी अंतर कितना है 2, ठीक है। अब 2 यूनिट का जो अंतर है वो लाने में कितनी साले लग गई थी, 2 वर्ष लग गए थे गाइस, कितना 2 वर्ष। तो एक यूनिट का अंतर लाने में कितनी साल लग जाएगी, 1 वर्ष लग जाएगी, ठीक है। और पिता का ये तो पिता का पूछा था, तो पिता की कितनी हो जाएगी 35 वर्ष इसकी एज हो जाएगी। बस गाइस इतना ही क्वेश्चन था, बस थोड़ा घुमा हुआ था, उसको आसानी से करना आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हैं और इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा गाइस, ठीक है। जैसा कि आपको पता है हमारा जो अभी सीरीज चल रहा था वो नंबर सिस्टम का चल रहा था सबसे पहले, तो नंबर सिस्टम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नंबर सिस्टम को मैंने बीच में ब्रेक करके एक आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है एज रिलेटेड क्वेश्चंस का। अब नंबर सिस्टम का टॉपिक जहाँ से चल रहा था वो वहीं से आगे, ठीक है, चलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद नंबर सिस्टम की 5 वीडियोज अपलोड हो चुकी हैं, तो नंबर सिस्टम की अगली नेक्स्ट 6 वीडियो अपलोड होगी इसके बाद, ठीक है। तो एज रिलेटेड क्वेश्चंस पहले करा देता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा में लड़कों की औसत आयु कक्षा में लड़कियों की संख्या से कैसी है, दोगुनी है, क्वेश्चन ये दे रखा है, ठीक है गाइज। ये मान लेते हैं बॉयज हैं और ये आपको क्या दे रखा है, गर्ल्स दे रखा है, ठीक है। आगे देखो कितनी है, दोगुनी है। 50 छात्रों की कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात जो है वो कितना है, 4:1 है, 4:1 है, बस इतना समझना है, ठीक है। अब इन दोनों का योग, इनका कितना हुआ 4 और 1 = 5 और क्वेश्चन में ये कितने 50, तो 5 जो यूनिट हुआ ना वो 50 हुआ, तो यहाँ से एक यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो 5 × 5 = 5 × 50, तो एक यूनिट किसके बराबर हो गया, 10 के बराबर हो गया। तो जो बॉयज 4 की वैल्यू 40 हो गई और एक की वैल्यू 10 हो गई, तो मतलब 40 तो आपके बॉयज हो गए और 10 आपकी क्या हो गई, गर्ल्स हो गई। इतना क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चंस को पढ़िए, आगे क्वेश्चंस में लिखा है कक्षा में कुल लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन को देखिए, बॉयज का जो एवरेज दे रखा है, बॉयज का एवरेज जो है वो लड़कियों का कितना है, 2 गुना है, लड़कियों का 2 गुना दे रखा है, तो 2 × गर्ल्स, और गर्ल्स का कितना आया था अभी आपने देखा था वो 10 आया था, तो 2 × 10 कितना हो गया गाइस, 20 हो गया, और ये अब ये कितना हो गया, 20 हो गया है, ठीक है। बॉयज का जो एवरेज है वो 20 है, बट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा, लड़कों की संख्या जो है वो किस में निकालनी है। अब बॉयज निकालना है वो निकाल लीजिए। अब एवरेज की और संख्या की अगर हम गुणा कर दें, यहाँ पे बॉयज कितने हैं 40 और इनका एवरेज कितना है 20, तो इनका जब सम निकालना होता तो दोनों की क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 40 × 20 कितना हो जाएगा, 800 आ जाएगा। जितने भी लड़के हैं उन सब की अगर हम आयु का योग निकालें तो वो कितना हो जाएगा, ये क्योंकि आपको पता है समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, σx = ठीक है, सिग्मा एक्स कितना निकालेंगे, इस तरह से मत निकालिए, x² = σx / n या f, ठीक है। तो अब आपके पास ये पता है और ये पता था, मतलब एवरेज पता था और नंबर पता थे, हमें निकालना क्या था, सम निकालना था, तो एवरेज और टोटल नंबर्स की क्या कर दी, एवरेज था 20 और टोटल नंबर्स थे 40, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी तो कितना आ गया 800, तो 800 क्या आ गया, लड़का के कक्षा के सभी लड़कों की आयु का औसत निकल आया, अर्थात उनका सम कितना होगा ये आपको फाइंड करना था, ठीक है गाइज। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक भी कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनसे अधिक से अधिक वीडियो, ठीक है, मतलब सभी के पास पहुंच सके जिसको इसकी ज़रूरत है, ठीक है गाइज। तो अभी मैंने ये 2 वीडियो लेक्चर बनाए थे आपके लिए, किस पे, एज रिलेटेड क्वेश्चंस पे। अगर आपकी और क्वेरी, अगर कोई नए टाइप के क्वेश्चन आते तो मैं उसको 3rd वीडियो में अपलोड करूँगा, ठीक है गाइज। उम्मीद करता हूँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।